ये स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र सिंह चहल, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल शेरगढ़, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, आप सब का स्वागत करता हाँ। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आप डिस्कस करना है वह है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन जोड़ा अपने माइंड आता है वह है वट इज एक्सक्रीशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स में चलाने लिए एनर्जी की जरूरत होंगी है, जिसनों असी फूड अपने भोजन तो प्राप्त करते हाँ। वक् वक् तरह के भोजन पदार्थ असी लें, वक् वक् तरह के ड्रिंक्स आप लें, जिस तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेंदी है, एनर्जी सानू मिलती है, जिस नाल साडी बॉडी के कई तरह के मैटाबोलिक रिएक्शनस चलते हैं। इन मैटाबोलिक रिएक्शनस के बायप्रोडक्ट के रूप च कई तरह के वेस्ट मटीरियल ते टॉक्सिक मटीरियल बनते हैं, जिन्हों बॉडी चो बाहर कढ़ना बहुत जरूरी होंदा है। तो उन्होंने मटीरियल्स नू शरीर चो बाहर कढ़ना दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कई तरह के ऑर्गन ने जिहड़े एक्सक्रीशन करते हैं, जिमें लंग्स, स्किन, आईज, बट मेन पार्ट जिहड़ा है वह है किडनीज। तो सब तो पहला डिस्कस करते हाँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होंदा किदां दा है, पोजिशन कित्थे है, किस तरह है। तो यह है साडा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली उस दे विच दो किडनीज, वन इज लैफ्ट सेकेंड इज राइट, एक पेयर किडनीज का, एक लैफ्ट किडनी एक राइट किडनी। दोनों किडनीज तो दो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आ रही हैं, जिन्होंने कहने हैं यूरेटर। वन इज लैफ्ट यूरेटर, सैकेंड इज राइट यूरेटर। दोनों यूरेटर ओपन होंगे हैं यूरिनरी ब्लैडर च, जो अल्टीमेटली खुलता है यूरेथ्रा राही। तो एक सैट किडनीज का, एक सैट यूरेटर का, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, वन पोर यूरेथ्रा। यह है साडा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हुण किडनीज नूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी लोड है, तो किडनीज तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके भी जाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनीज नूं दिंदी है एबडोमिनल ऑर्टा, ऑर्टा तो लैफ्ट ते राइट किडनी नूं रीनल आर्टरीज राही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिता जाता है। किडनीज तो जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनिया उसनूं रीनल वेन्स दे राही, ग्रीन कलर दियां लैफ्ट ते राइट किडनी तो रीनल वेन्स दे राही बिना केवर राही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनीज तो दूर चला जाता है। इस तरह यह है साडा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हुण इहदी पोजिशन किवें है, विद्यार्थियों को यह नहीं पता होंदा भी एग्जैक्टली यह है कित्थे। तो साडी जिहड़ी बैकबोन है, बैकबोन बैकबोन दे राइट ते लैफ्ट साइड ते बोथ किडनीज होंदियां हन अपर अबडोमिनल कैविटी। साडा जिहड़ा रिब केज है, पसलियां दा जिहड़ा पिंजरा है, पिछले पासे उस दे अंदर दी तरफ रिब केज नाल उह कवर हुंदियां हन, तां जो किसी भी 60 फीट तो किडनीज की सुरक्षा हो सके। यह सी एक्सक्रीटरी सिस्टम। हुण जेकर आपां एक किडनी नूं लोंगिट्यूडली कट्टीए, कट के अंदरों किस तरह की नज़र आउंदी है वह है आ डायग्राम। आपां किडनी जेकर कट्टीए ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਹ ਆਊਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਰਟੈਕਸ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਿਊਲਾ ਜਾਂ ਮੈਡਿਊਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਕੋਰਟੈਕਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਮ ਆਫ ਬਰਟਨ। ਆ ਫਰੰਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਲਵਿਸ, जो कि अल्टीमेटली यूरेटर के नाल जुड़िया होंदा है। हुण इह सी अगर किडनी नूं आपां लंबात्मक कट के देखिए लोंगिट्यूडनली। हुण किडनीज दे विच अजिहा की है जो यूरिन फॉर्मेशन करता है, किडनी दी फंक्शनल यूनिट जो यूरिन फॉर्मेशन करती है उहनूं कहिंदे हां नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हर किडनी दे विच ऑलमोस्ट 10 लाख दे आसपास होंदे हन, फंक्शनल यूनिट है यूरिन फॉर्मेशन दी। हुण उस नेफ्रॉन की पोजिशन किडनी दे विच किस तरह होंदी है, नेफ्रॉन दे वख-वख पार्ट्स होंदे हन जिहदे विचों नेफ्रॉन दा बोमन कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, आ तीन हिस्से होंदे हन कॉर्टेक्स रीजन च। आ कॉर्टेक्स रीजन है, इहदे विच आ वाले तीन हिस्से होंदे हन बोमन कैप्सूल वाला, पीसीटी ते डीसीटी, आ तीनों होंदे हन कॉर्टेक्स दे विच। जबकि लूप ऑफ हेनले ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡਿਊਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰੀਨਲ ਕੋਰਪਸਕਲ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰੀਨਲ ट्यूब्यूल। आ दो हिस्से हैं। हम रीनल कॉर्पस्कल जिवें डायग्राम दे विच तुसी देख रहे हो, फ्रंट पोर्शन, फ्रंट वाला जिहड़ा पोर्शन नजर आ रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर, उहदे अंदर ग्लोमेरुलस, इस सारी स्ट्रक्चर नूं कहिंदे हां रीनल कॉर्पस्कल, जो दो हिस्सों का मिलकर बनया है। वन इज ग्लोमेरुलस, सेंटर दे विच रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, उहनूं कहिंदे ग्लोमेरुलस। ते सैकेंड है कप लाइक स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल या बी कैप्सूल, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। हम ग्लोमेरुलस की है, ग्लोमेरुलस एक्चुअली फाइन कैपिलरीज द नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क, बहुत संघना कैपिलरीज द नेटवर्क है बोमन कैप्सूल दे अंदर की तरफ। ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल, कैपिटल ए कैपिटल ए, एफरेंट आर्टीरियोल राही ग्लोमेरुलस च जाता है, ते उस तो बाद फिल्टर होने तो बाद वापस बाहर आता है इफरेंट आर्टीरियोल राही, ई एफ राही। हम इतने गौर करने की लोड़ है, एफरेंट आर्टीरियोल थोड़ी चौड़ी होंगी है जबकि इफरेंट आर्टीरियोल पतली होंगी है, उसका भी रीजन है। तो यह है पहला पोर्शन रीनल कॉर्पस्कल, दो हिस्सों में मिलकर बनया, वन इज ग्लोमेरुलस, सेकेंड इज बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस की है, कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क है बोमन कैप्सूल के अंदर। बोमन कैप्सूल की है कपलाई स्ट्रक्चर, यह है पहला हिस्सा नेफ्रॉन का रीनल कॉर्पस्कल। सेकेंड है रीनल ट्यूब्यूल, आ पिंक पोर्शन तो शुरू होके ब्लू होके ऑरेंज लास्ट, आ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर सारी, इसनों कहने हैं रीनल ट्यूब्यूल। इसके तीन हिस्से, फर्स्ट इज पीसीटी, सेकेंड इज लूप ऑफ हेनले, एंड थर्ड इज डीसीटी। पिंक कलर का पोर्शन पहला पीसीटी, पीसीटी मीन्स प्रोक्सीमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी पिंक कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, इसनों कहने हाँ पीसीटी, जिहड़ा कि बोमन कैप्सूल नाल जुड़े। उस तो बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से, वन इज डिसेंडिंग लिम, जो थले नू जा रही है उसनू कहने हाँ डिसेंडिंग लिम, ते जो वापस उपर नू जा रही है उसनू कहने हाँ असेंडिंग लिम। तो लूप ऑफ हेनले दे दो हिस्से, डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम। इत्थे गौर करना, डिसेंडिंग लिम दी लंब मोटाई एक समान है जबकि असेंडिंग लिम ज्यादा मोटी है डिसेंडिंग लिम दे कंपैरेटिवली। थर्ड पार्ट डीसीटी, डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, आ येलो कलर का पोर्शन, इनू कहने हाँ डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। हम जिमें कि मैं तुम्हें तो पहला दस के गया सी, आ ग्रीन लाइन नू नोट करना, इस दे उपर है कॉर्टेक्स, थले है मेडुला रीजन किडनी का। तो बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये होंगे किडनी के कॉर्टेक्स पोर्शन च, जबकि लूप ऑफ हेनले होंगे है मेडुला हिस्से। ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की। हुण गल करते हाँ अगे, इतने एक होर इंटरस्टिंग चीज थो मैं दसदा हाँ। नेफ्रॉन वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज तो लिखा गया है जिसका मतलब है किडनी। नेफ्रॉन ग्रीक वर्ड दैट मीनस किडनी। हुण किडनी दे विच, एक किडनी दे विच ऑलमोस्ट 10 लाख के आस पास नेफ्रॉन्स होंगे हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है यूरिन नू फॉर्मेशन करने के। हुण गल करते हैं वट इज यूरिन, बनता किवें है, की प्रोसेस है। यूरिन फॉर्मेशन चार स्टैप दे विच डिवाइड कर सकते हाँ। पहला स्टैप है फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टैप है री एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टैप है सिक्रीशन, फोर्थ स्टैप है एक्सक्रीशन।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗਲੋਮੈਰੂਲਸ ਤੇ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ। ਹੁਣ ਐਫਰੈਂਟ ਆਰਟੀਰੀਓਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਗਲੋਮੈਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੀਨਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹਨ, ਸਮਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਵਾਟਰ ਗਲੂਕੋਜ ਆਇਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ, ਯੂਰੀਆ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੌਣ? ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਾਈਕ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ WBC, RBC ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੀਨਲ ਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ, ਉਸ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਗਲੋਮੈਰੂਲਸ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ ਵਾਟਰ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, NaCl, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਇਨਸ, HCO3, ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ, ਯੂਰੀਆ, ਇਹ ਹਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, 180 ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਵੂਮਨ ਕੈਪਸੂਲਸ ਚੋਂ ਫਿਲਟਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਲੀਟਰ, ਬਟ ਅਸੀਂ 180 ਲੀਟਰ ਪੂਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਯੂਰਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 99% ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਹ 99% ਬੋਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਆਇਨਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਬੋਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਵੂਮਨ ਕੈਪਸੂਲ 'ਚ ਗਲੋਮੈਰੂਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ PCT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਫੈਨਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ DCT 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PCT ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ DCT ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? DCT ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੈ PCT, ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ PCT 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PCT। PCT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਏਗਾ? ਰੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ R ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਕਰੀਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ S ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ
रीअबजॉर्ब इतने की होगा तो किन्नी अमाउंट के होगा? पोटैशियम आयन्स, NaCl, H2O, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इस दे नाल ही HCO3। हुण इत्थे एक होर गल ध्यान देने वाली है, इंटरेस्टिंगली इस टेबल में देखना, ऑलमोस्ट पानी का ऑलमोस्ट 65% PCT दे विच रीअबजॉर्ब हो जाता है। NaCl भी 65% रीअबजॉर्ब हो जाता है। अमीनो एसिड्स 100% रीअबजॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज 100% रीअबजॉर्ब हो जाता है इतने PCT दे विच। HCO3 90% HCO3 रीअबजॉर्ब कर लिता जाता है PCT दे विच। तां मैक्सिमम फिल्ट्रेट दे विचों जो इंपॉर्टेंट चीज़ां सी उन्हों बॉडी दोबारा रीअबजॉर्ब कर लेंदी है PCT पोर्शन दे विच। हुण सिक्रीशन इत्थे की होगा? कुछ ऐसे पदार्थ भी हन टॉक्सिक जिन्हां नूं PCT दे विच सिक्रीट कर दिता जाएगा तां जो उह यूरिन दे नाल पास आउट हो जाए। सिक्रीशन दे विच हुण की कुछ आवेगा? सिक्रीशन दे विच आउणगे यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ते क्रिएटिनिन। ये वो टॉक्सिक मटेरियल्स ने जिन नाइट्रोजनस वेस्ट ने जिन्हां नूं असीं बॉडी चों बाहर कढ़ना है, तां इन्हां नूं PCT दे विच सिक्रीट कर दिता जाएगा। यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्रिएटिनिन एंड सम ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स भी हो सकती हैं दूसरी भी, तो इन्हों सिक्रीट कर दिया जाता है PCT के। हूँ इतना जो फिल्ट्रेट आया उस ऑलमोस्ट 65-70% इतने ही रीअबजॉर्ब हो गया। अमीनो एसिड तो ग्लूकोज 100% ही PCT से अबजॉर्ब हो गए। कुछ वो टॉक्सिक मटीरियल भी सिक्रीट कर दिए गए जिम्मे यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ड्रग्स, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। हूँ इस तुम बाद सैकेंड पोर्शन है लूप ऑफ हेनले। हुण लूप ऑफ हेनले दे विच देखदे हां की हुंदा है। जिवें कि तुहानूं पहलां दस्सिया सी, लूप ऑफ हेनले इहदे दो हिस्से हन, वन इज डिसेंडिंग लिम, सैकेंड इज असेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम आ है, असेंडिंग लिम आ है। हुण इत्थे डिसेंडिंग लिम हाईली परमीएबल है फॉर वाटर। पानी दे लिए डिसेंडिंग लिम हाईली परमीएबल है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए परमीएबल नहीं है। इतने असि क्रॉस लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए परमीएबल नहीं है। असेंडिंग लिम जस्ट इज द ऑपोजिट, पानी लिए वह परमीएबल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट लिए परमीएबल है। तो इतने हुण की होगा? की कुछ इतने रीअबजॉर्ब किया जाएगा या कुछ सिक्रीशन होगा? हुण इतने मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी वी हेनले लूप का बेसिकली काम है यूरिन दे विच कंसंट्रेशन, यूरिन की कंसंट्रेशन नूं डिसाइड करना। हुण इतने की होगा? पानी लई डिसेंडिंग लिम परमीएबल है, तो इतों पानी रीअबजॉर्ब कर लिता जाएगा। जदों हेनले लूप के इस हिस्से दे विच फिल्ट्रेट आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। उस तो बाद असेंडिंग लिम दे विच जड़े इलेक्ट्रोलाइट्स ने NaCl वगैरह उन्होंने रीअबजॉर्ब कर लिता जाएगा। हुण डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम के बारे जेकर गल करिए, हुण इस तो बाद अगे चलते हाँ। डिसेंडिंग लिम दे विच भी वाटर अबजॉर्ब हो गया, असेंडिंग लिम दे विच आयन्स जिहड़े है वो रीअबजॉर्ब हो गए। नैक्सट पोर्शन आता है अपना DCT। हुण DCT दे विच की होगा? DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इहदे विच की कुछ रीअबजॉर्ब होगा, की कुछ सिक्रीट किया जाएगा? हुण जिवें कि तुहानूं पहलां दस्सिया सी DCT दा बेसिकली काम है फाइन ट्यूनिंग, जिन्ना यूरिन फॉर्मेशन दे प्रोसेस नूं फाइन ट्यून करना। तां DCT दे विच आउंदे ही NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ऑलमोस्ट 5% रीअबजॉर्ब
हो जाएगा इंक्लूडिंग वाटर, वाटर भी तो रीअब्सॉर्ब कर लेता जाएगा, ये हो गए रीअब्सॉर्ब। हम सिक्रीशन की होगी, सिक्रीट ए डीसीटी की किया जाएगा, उस दे विच आउणगे पोटेशियम आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स, अमोनियम आयन्स, इन्हां नूं डीसीटी दे विच सिक्रीट कर दिता जाएगा ता जो यूरिन दे नाल ओह बॉडी चों पास आउट हो सकण। तां इह सी सारा प्रोसैस। हुण जिहड़ा फिल्टरेट ओमन कैप्सूल तों फिल्टर हो के पीसीटी जाया उहदे विचों पीसीटी दे विच ही मैक्सिमम 65-70-80% ते कुछ जिवें ग्लूकोज ते अमीनो एसिड 100% ही इत्थे ही रीअब्सॉर्ब हो गए। उस तों बाद लूप ऑफ हेनले दे विच रीअब्सॉर्प्शन भी हुई, सिक्रीशन भी हुई, हार्मफुल प्रोडक्ट्स दी फिर डीसीटी दे विच भी उही होया। इस तरह अल्टीमेटली जिहड़ा फिल्टरेट कलैक्टिंग डक्ट रेड कलर कलैक्टिंग डक्ट ताईं जिहड़ा पहुंचेगा उस विचों मैक्सिमम वाटर ते इंपॉर्टेंट आयन्स बॉडी वापस रीअब्सॉर्ब कर लैंदी है ते रहिंदा की है कुछ मात्रा दे विच वाटर यूरिन दे विच ते नाल ही हार्मफुल या टॉक्सिक मटीरियल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उही साडा यूरिन फॉर्मेशन हुंदी है। तां इह सी सारा प्रोसैस यूरिन फॉर्मेशन दा, किस तरह ते किहड़े किहड़े स्टैप्स हन। लास्ट दे विच पहला स्टैप इहदा यूरिन फॉर्मेशन दा अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन जो कि वूमन कैप्सूल च हो गई, उस तों बाद रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जिहड़ा कि रीनल ट्यूब्यूल दे वख-वख हिस्से पीसीटी हेनले लूप ते डीसीटी दे विच हो गए। इस तरह अल्टीमेटली लास्ट कलैक्टिंग डक्ट दे विच जिहड़ा बचिया उह है साडा यूरिन, जिस दे विच ऑलमोस्ट 95% वाटर है ते 5% हन नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन्हां नूं यूरिन दे रूप च बॉडी चों बाहर कढ दित्ता जांदा। तां इह सी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आस करदा हाँ तुहानूं सब नूं समझ आ गया होवेगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।